फ्रेंड्स, रास्पबेरी पाई को यूज करके प्रीपेड कार पार्किंग सिस्टम को कैसे बनाना है, इसका प्रोटोटाइप कैसे बनाएं, डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं। फ्रेंड्स, अज्यूम करते हैं कि यह हमारा स्लॉट है। यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि 4 स्लॉट्स अवेलेबल है। यहाँ पे एंट्री के लिए बैरियर रहेगा, यहाँ से हमारा एंट्री गेट रहेगा और ये एंट्री गेट के पास में सेंसर रहेगा जो कार को सेंस करेगा कि पार्किंग के लिए आया है। सिमिलरली यहाँ पे एग्जिट गेट रहेगा, एग्जिट गेट के पास में भी सेंसर रहेगा जो एग्जिट के कार को सेंस करेगा। और फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर एरेना को सेंस करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कैमरा। अब ये कैमरा ये पूरे एरिया को स्कैन करेगा और ये जो हमारे स्लॉट्स रहेंगे यहाँ पे ऐसे ब्लैक स्ट्रिप्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लैक स्ट्रिप रहेंगे और बैकग्राउंड वाइट रहेगा, तो कैमरा में अगर ये इमेज में ये ब्लैक स्ट्रिप इंडिकेट होते हैं मतलब वहाँ पे कोई कार पार्क नहीं है। यहाँ पे अगर कोई कार आती है तो ये कार सेंस की जाएगी ये सेंसर के थ्रू। मोटर से गेट ऑपरेट किया जाएगा, गेट ओपन हो जाएगा और जहाँ पे भी इसको पार्क करना है कार को, हमारा यूज़र कार को पार्क कर सकता है। फ्रेंड्स, अब जब कैमरा इमेज लेगा तो उसको ये ब्लैक स्ट्रिप नहीं दिखेगी, इसका मतलब वहाँ पे कार पार्क है। तो स्लॉट 1 पे कार पार्क है, बाकी सारे स्लॉट्स एम्प्टी है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन हमारे ऐप पे सेंड की जाएगी, बट बिफोर ऐप जो हमारा रास्पबेरी पाई रहेगा, रास्पबेरी पाई को डेफिनेटली स्क्रीन कनेक्टेड रहेगी, वो स्क्रीन पे ये इन्फॉर्मेशन इंडिकेट होगी S1, S2, S3 एंड S4। अब देखिए, हमारा पहला जो स्लॉट है वो पार्क्ड है, दूसरा स्लॉट एम्प्टी है, तीसरा स्लॉट बुक हो सकता है। अगर ये स्लॉट बुक है तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा डिक्रीमेंटिंग। अब ये बुक की प्रोसेस क्या है वो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे ये भी स्लॉट एम्प्टी है। अब फ्रेंड्स, ये जो रास्पबेरी पाई है ये हमारे क्लाउड के साथ में कनेक्ट रहेगा और ये क्लाउड से हमारा यूज़र का मोबाइल भी कनेक्ट रहेगा। यूज़र के मोबाइल में ऐप रहेगा जो पहले तो इंडिकेट करेगा प्रीपेड अमाउंट, इसके खाते में कितना अमाउंट है, एग्जांपल 100 रुपीज़ है, और S1, S2, S3, S4 की इन्फॉर्मेशन भी। जैसे यहाँ पे पहला स्लॉट पार्क्ड है, दूसरा स्लॉट एम्प्टी है, जहाँ पे भी एम्प्टी रहेगा वहाँ पे बटन रहेगा बुक का, और तीसरा स्लॉट बुक है तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट होगा, चौथा स्लॉट एम्प्टी है तो डेफिनेटली बुक का बटन रहेगा। अब सेकंड स्लॉट के लिए यूज़र को पार्क करना है, यूज़र को बुक करना है, तो ये बटन दबाएगा। जैसे ही हमारा यूज़र बटन दबाएगा हमारे क्लाउड पे इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है। सेम इन्फॉर्मेशन क्लाउड के थ्रू हमारा सिस्टम रीड करेगा और अगर स्लॉट खाली है तो इसको बुक प्रोसेस में डाल देगा और यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये टाइमर ख़त्म होने से पहले, एग्जाम्पल 10 मिनट का टाइमर है, तो ख़त्म होने से पहले यूज़र को कार को पार्क करना पड़ेगा, नहीं तो जो बुक्ड स्लॉट है वो अनबुक्ड हो जाएगा। और जैसे ही यूज़र वहाँ पे कार को पार्क करता है तो हमारा जो बुक है वो कन्वर्ट हो जाएगा पी में। अब फ्रेंड्स, जैसे ही यूज़र एग्जिट करेगा तो ये सेंसर जो है एग्जिट वाला कार को सेंस करेगा, गेट को ओपन करेगा, कार जैसे ही बाहर चली गई हमारा जो कैमरा है वो फिर से एरिया को स्कैन करेगा और डेफिनेटली कार जाने की वजह से उसको ब्लैक स्ट्रिप दिखाई देगी और उसको पता चलेगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर स्लॉट एम्प्टी है, तो सिस्टम के स्क्रीन पे ये जो नई स्टेटस है पार्किंग की वो इंडिकेट करेगा। फ्रेंड्स, सर्किट के बारे में समझते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स रास्पबेरी पाई, रास्पबेरी पाई को हम यूज़ करने वाले हैं कैमरा। अब यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग हम करने वाले हैं तो हमारा जो रास्पबेरी पाई है वो 2 GB या 4 GB इवन 8 GB भी चलेगा, 1 GB काफ़ी स्लो हो जाएगा एंड उसे हमें ठीक से रिजल्ट नहीं मिलेगा, सो 1 GB को अवॉइड करते हैं। सिमिलरली रास्पबेरी पाई को सेंसर 1 जो कि एंट्री वाला सेंसर है और सेंसर 2 जो कि एग्जिट वाला सेंसर है वो कनेक्ट रहेगा। सिमिलरली मोटर ड्राइवर हमारे रास्पबेरी पाई को कनेक्ट रहेगा। अब ये मोटर ड्राइवर को हमें मोटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये मोटर ड्राइवर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि रास्पबेरी पाई का करंट काफ़ी कम है तो मोटर ड्राइवर से हम करंट को बूस्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी इसको देना पड़ेगा क्योंकि हमें एक्स्ट्रा करंट इसको देना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन मोटर 2 ये एंट्री वाला मोटर है और ये एग्जिट गेट वाला मोटर है। और फ्रेंड्स, यूज़र सिस्टम के साथ में कैसे कनेक्ट रहेगा, तो उसके मोबाइल के थ्रू। यहाँ पे डेफिनेटली हम क्लाउड यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो क्लाउड है वो थिंगस्पीक का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में ब्लिंक यूज़ कर सकते हैं, आर्डिनो का भी यूज़ करते हैं, या फिर हमारे साइट की कुछ जो लिंक्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
ये पर्टिकुलर सिस्टम का रास्पबेरी पाई को यूज करके बढ़िया सा प्रोटोटाइप बना सकते हैं। प्रोटोटाइप बनाने के बाद में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में भी हम इसको ला सकते हैं।